मॉर्निंग गाइस, अभी रात में 1:30 बजे सोए हैं और अभी उठ गए हैं 7 बज रहे हैं। अभी हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे, देखते हैं पैदल कर पाएंगे तो पैदल करेंगे, क्योंकि सब जो भी घर से आया है सबके पाँव सूज रखे हैं, क्योंकि कल वृंदावन में बहुत भीड़ थी तो हमारी गाड़ियाँ 2-2, 3-3 किलोमीटर पहले रोक ली गई। तो कल ही हमने मतलब आखिर यात्री 11-12 किलोमीटर पैदल चले थे, सबके पाँव की हालत ख़राब है। आई एम गुड टू गो, पर अभी ये लोग जैसे बोलेंगे वैसे डिसाइड करके फिर हम परिक्रमा तो करेंगे, चाहे पैदल करेंगे चाहे वैसे करेंगे। बाकी अब मैं आप सब लोग उठ गए हैं, फ्रेश होकर रेडी हो रहे हैं सब लोग, फिर हम निकलेंगे। बोलो राधे राधे। वेलकम बैक गाइस। तो अभी हमारी जो कल की परिक्रमा थी वो हो नहीं पाई, फिर हमने आज रिक्शा से करने की सोची है और सोची क्या कर रहे हैं, अब हम रिक्शा से परिक्रमा करने निकल चुके हैं। महाराज की जय। यहाँ से गाइस परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होगी तो यहीं खत्म होगी पूरा 21 किलोमीटर। के पहले पड़ाव या पहले मंदिर मानसी गंगा, क्योंकि पहला पड़ाव तो पुछरी का लोटा होता है। ये पहला मंदिर है यहाँ मानसी गंगा, इसको भगवान श्री कृष्ण ने मन से बुलाया, मन पे ध्यान किया और बोला प्रकट होने को, तो यहाँ पे मानसी गंगा प्रकट कहा जाता है। इसके ऊपर अपने छींटे लगाने से या फिर इसमें स्नान करने से शरीर के सारे दुख दर्द कष्ट पीड़ा दूर होते हैं, यही मानसी गंगा का जल है। और मैं जब अपने दोस्तों के साथ आया था, मैं प्रशांत विनय पुष्पराज आदि, तो हम यहाँ स्नान किया था। आज हम घर से ना के आए हैं, अभी छींटे मारेंगे और चलेंगे। बाकी अब आपको अलग अगली जगह पर जो और मंदिर पड़ेंगे वहाँ आपको दर्शन करेंगे। बोलो राधे राधे। अब हम अपनी परिक्रमा गोवर्धन जी महाराज की, ये देखो पैदल क्या चल रहे हैं, इनको पैर दर्द होने लग गया है। झूठ मत बोलो कि राजीव भगवान की लठ मारेंगे पीछे से आके। तो ये पहला पड़ाव पुछरी का लोटा, सबसे बढ़िया पड़ता है। इनको मन सखा भी कहा जाता है, किसी भगवान के दोस्त थे ये, इसलिए इनके दर्शन होते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। परिक्रमा का स्वरूप ऐसा है गोवर्धन जी का कि वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा में 15 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 6 किलोमीटर राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसका ये पहला पड़ाव पड़ता है पुछरी का लोटा। राजीव महाराज की जय। हम यहाँ से आपको अगले पड़ाव का दर्शन कराएंगे। पंचखा जी ने कृष्ण भगवान के मित्र थे, इसलिए इनका भी दर्शन होता है यहाँ पर। कृष्ण भगवान की लीला देखो, अपने दोस्तों को मित्रों को भगवान बना दिया। अब हम अगला पड़ाव आपको दिखाएंगे, पर कहीं पड़ेगा वो भी, बाकी चीज़ें आगे यात्रा में आपको विस्तार से बताएंगे। बोलो विराज जी महाराज की जय। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। राजस्थान से होके दोबारा उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस चुके। बोलो गिरिराज जी महाराज की। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। गिरिराज जी महाराज की जय। अभी हम यहाँ के स्ट्रीट फूड लस्सी लेते हुए मुखार बिंदी के दर्शन के बाद, मान्यता ये है कि गोवर्धन जी की परिक्रमा में ये पड़ाव पड़ता है मुखार बिंद। माना जाता है कि यहीं से परिक्रमा शुरू करनी होती है और यहीं से ख़त्म करनी होती है। 3 जगह ऐसी दे रखी है, पर यहाँ पे मान्यता ऐसी हो गई है कि आप कहीं से भी शुरू करो और कहीं भी ख़त्म करो, सेम ही मानता है। पर जनरली लोग या तो मुखार बिंद से शुरू करते हैं या फिर मानसी गंगा से करते हैं। बोलो राधे राधे। राजी महाराज की जय। में गोवर्धन परिक्रमा के अंतिम पड़ाव की ओर हम, और इसमें राधा कुंड शामिल है। जो लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, जैसे हमने पिछली बार, तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा में 13-14 किलोमीटर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आखिरी का जो 5-5.5 किलोमीटर का पैच होता है उसमें बहुत कष्ट होता है, पैदल दर्द होता है, टाइम चलेगा नहीं, भागने का भी मन करेगा तो धीरे धीरे चलने का। तो मतलब ये स्थिति होगी इतना होगा कि ऐसा लगेगा कि चलने से ज़्यादा अच्छा भागना होता है। ये ऐसा इसलिए कि ऐसा कहते हैं जब जिस तरह से राधा रानी हमारे कृष्ण भगवान की क्षोभ में दुख में थी, उसी तरह से वो 5 किलोमीटर राधा कुंड जान का बसावट की जानी रहती थी, वहाँ पे भी 5 किलोमीटर जो उनको दुख में रही वही दुख यहाँ के यात्रियों को ही मिलता है। पता लगता है कि राधा जी कितने दुख में थी, क्योंकि यहाँ पर आके अगर जो पैदल वाले होते हैं उनकी एकदम हालत पस्ती हो जाती है यहाँ पर जाते,
जिनके पैर नहीं उठे होते हैं, वो मतलब 100 मीटर भी दो दो पाँच पाँच छः छः मिनट में चलते हैं। तो इसलिए जो कष्ट राधा रानी को था वो यहीं पे सबको पता लगता है आके। बाकी राधा रानी की कृपा ही है कि आखिरी कुंडे से हम कमल सरोवर भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं बरसाना की तरफ अग्रसर करेंगे। बरसाना का मंदिर, राधा जी यहाँ पे नहाते थे इतने बड़े कुंड में। राधे राधे, ऐसा मानता है कि नहाना नहाते हैं पर पानी थोड़ा गंदा होने के कारण सब लोग नहीं नहाते, छींटे मार लेते हैं। कहते हैं यहाँ पे आके कष्ट मिटता है। राधा रानी की जय। बोलो गिराजी महाराज की। तो राजी महाराज के अर में कथक है। यहाँ पे गिराजी महाराज पहले थे नहीं, फिर जब ऋषि ऋषि पुलिस आए यहाँ पर, पूरा जा रहे थे रास्ते थे, तो गुरु उनको पर्वत अरुणाचल के पुत्र थे ये गिराजी, तो गए उनको बहुत सुंदर लगा। उन्होंने कहा, उनसे आज्ञा मांगी उनके पिताजी से कि हम आज ये बहुत सुंदर है इसको ले जाएँ, तो वो पुत्र मोह के कारण मना करने लगे द्रोणाचल जी। पर गोवर्धन जी ने कहा कि नहीं मैं जाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है कि आप जहाँ भी मेरे को रख दोगे मैं वहाँ स्थापित हो जाऊँगा। तो ऋषि पुलिस ने कहा ठीक है। तो ऋषि पुलिस जी लेके निकले काशी में। उस समय कृष्ण जी यहाँ बचपन में अपनी बाल लीलाएँ कर रहे थे, तो ये पता लग गया गोवर्धन जी को एक बार। तो गोवर्धन जी ने क्या किया, अपना हाथ का वजन बढ़ा, अपना वजन बढ़ाने लगे उनके हाथ से, और बढ़ाते बढ़ाते उनको क्या हुआ, थकान के मारे उनको बात याद नहीं रही, और ऋषि पुलिस ने उनको नीचे रखकर यहीं पर ये स्थापित हो गया। तो गुस्से के मारे उनको ऋषि पुलिस जी ने श्राप दे दिया कि तुम तिल तिल करके घटते रहोगे। पहले यहाँ वैज्ञानिक भी मान चुके कि आज से 5,000 साल पहले ये 30,000 फुट की ऊंचाई थी इसकी, और अभी 30 मीटर भी खुलने रहेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कलयुग के अंत होते होते इनका पूरा गोवर्धन पर्वत जी समाप्त हो जाएंगे, और ऐसा लिखा भी गया है कि उसी दिन पृथ्वी पर प्रलय आएगा और कलयुग का समाप्त होगा, कलयुग का युग समाप्त होगा, नया युग आएगा। राज जी महाराज की। तो अब फाइनली हमारा वृंदावन और मथुरा जी और गोवर्धन जी की यात्रा तो पूरी हो गई है। अभी अब हम निकलेंगे बरसाना राधा रानी जी के दर्शन करने। फाइनली मजा आएगी, गर्मी बहुत है, धूप बहुत हो रही है, छाँव में नहीं लग रही गर्मी पर धूप बहुत हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ फोटो खिंचवाने आए थे, वो एक पीछे आ रही है बांके बिहारी जी पे कृपा करके कि इन्होंने बांके बिहारी जी पे कम फोटो खींची थी। बांके बिहारी जी ने अनुरोध किया इनसे कि 1,51,000 फोटो खींचो, पर इन्होंने खींची नहीं। और इसके बाद दूसरी कड़ी में आई रश्मि जी, रश्मि जी को गिरधर इनको पुरस्कार मिला है, कहा कि 51,000 तो कम से कम खींचो, लेकिन ये इसको पूरा नहीं कर पाई, ये 1,051 पे रह गई है। मैंने खाली 11 फोटो खींची, 11 नहीं कम से 121 खींची है आराम से गई। तो फिर ये और भैया ने व्लॉग के माध्यम से पता नहीं कितनी फोटो खींच ली। मैंने पुण्य का काम किया, आप लोग आपको दिखाने के नाम पे मैंने आप लोगों को दर्शन कराऊंगा, और ये गोबर में बुड़ गई, देखो झूठ बोल ली। अरे गाइस ये तो गोबर, ये तो गवा नाना हो गया। ये रास्ते जारकिन ने 1,51,000 फोटो नहीं खींची गिराज जी के कहने पे, तो इसके सर पे पत्थर गिर गया था, तब से इसका दिमाग कम हो गया, तब से इनका थोड़ा सा। तो राधा रानी की, अब हमारे गोवर्धन वृंदावन धाम का, धाम के सारे धार्मिक स्थल पूरे हो गए हैं, अब हम बरसाना राधा रानी जी के दर्शन के निकल पड़े रास्ते में। वहीं मिलेंगे, बरसाना पहाड़ी पर बसा हुआ स्थित राधा रानी का मंदिर है, राधा किला भी है वहाँ पर एक, बाकी वहीं मिलेंगे। खा पी के सब ऐसे एक मास्क लगा लगा के बैठे हैं, एक कोरोना फैलाने आएंगे ये लोग, और पीछे भी हैं लोग, और ये बीच में शेष नाग आ रहा है बीच में, तो देख नहीं पा रहे, सो रहे हैं ये तो पीछे। चलो ठीक है गाइस, बोलो राधा रानी की। गोवर्धन क्षेत्र राधा रानी की जय। पूरा प्लेन है और माता रानी का, राधा रानी का मंदिर पहाड़ी पे है, जैसे अयोध्या में पूरी अयोध्या प्लेन है, पर हनुमान जी गढ़ी बाबा का मंदिर टीले पे पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। वेलकम बैक गाइस, तो राधा रानी की जय। अब हम अपने मथुरा धाम के अंतिम पड़ाव बरसाना में राधा रानी के मंदिर, उसके बाद 2 बजे बंद हो जाएगा, 1:30 बज रहे हैं अभी, तो हम इसलिए थोड़ा स्पीड में हैं। उसके बाद अपन अगर समय बच गया तो राधा रानी का महल भी देखेंगे, तो वहाँ पे ये ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में है, ब्रह्माचल पर्वत कहते हैं उसको,
समय मिला तो वो पर्वत भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अभी हम जल्दी जा रहे हैं ताकि हम राधा रानी के दर्शन करें। तो राधा रानी की बरसाना धाम में राधा रानी के मंदिर में पहुंच गए। ये मोबाइल कौन चला रहा है? बहुत भीड़ है अंदर, मोबाइल अलाउड नहीं है, इनसे दर्शन करा देंगे। मोबाइल चला रहा बराबर में। पूरे बरसाना में यही पहाड़ी क्षेत्र, बाकी सब जय राधा रानी की। बोलो राधा रानी की जय। बरसाना में पहुंच गए और कम से कम 25 मिनट तक लगातार यहाँ से एग्जिट से बाहर निकला। एंट्री एग्जिट सेम थी, भगदड़ जैसी कंडीशन हो गई थी। मेरे हिसाब से लगभग 8 से 9 हज़ार एग्जिट करके गए लोग, इतने बड़े स्पेस में खड़े थे, पता नहीं कैसे। अभी ये बरसाना में हम आ गए, बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बरसाना का सारा क्षेत्र प्लेन है और यही पहाड़ी पे बसा हुआ मंदिर है। मैं कहूँ वो वहाँ पे राधा रानी का किला दिखा दे। मैंने ये किला है राधा रानी किला, ठीक है। बाकी का भी आपको दिखाते हैं पूरा बरसाना क्षेत्र। ये पूरा बरसाना क्षेत्र है। आप व्यवस्था जरूर है और इसको थोड़ा प्रशासन को व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि अभी कम से कम 10-12 लोग ऐसे जिनको सांस खुलने की दिक्कत है। एक घंटे तो हमारे पास, हमने इनको साइड में खड़ा करके थोड़ा सांस हवा खुला करा तो उनको सांस ली। व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि राधा रानी का महत्व बहुत है और मंदिर में भीड़ बहुत होती है। अब वो समय चला गया कि राधा अष्टमी भी भीड़ आएगी जन्माष्टमी, अब हर समय इतनी भीड़ रहती है। तो मंदिर प्रशासन को, सरकार को यहाँ पे व्यवस्था और करनी चाहिए। बाकी हाल ना पूछो मोहन का सब कुछ। राधे राधे। इस भीड़ का मत ही पूछो। जैसे भैया ने बताया कि 8-9 हज़ार लोग निकले हैं, कबाड़ शायद बंद हो गए हैं, खुलेंगे नहीं। राधा रानी के महल में आ गए, यहाँ पे राधा रानी जी रहती थी। ये अभी बंद है। राधा रानी रहती थी ना। गाइस दिल्ली पहुंचते ही रोड रेज चालू है, ये देखो चलेगा। कुछ तो आया नीचे, गाड़ी का सामान आया नीचे मेरे हिसाब से, कोई जो नीचे गिरी हुई थी। नहीं बुलाते, स्टीयरिंग काट दो, सरकारी कर्मचारी लोगों को बुला, हाथ जोड़ देंगे। कोई गाड़ी कैसे ऐसी हो गई है, मोटू भाई फालतू। ये पैशन का हालत देख लो, पैशन की हालत, उसका चोट भी लगी है भाई को, इसके भी चोट लगी है पेट में, पैशन पे चढ़ गई है। और ये पीछे देखो, इसका मन पीछे ही मार रही है, तभी तो नीचे तभी वो एक्टिंग कर रहा है। सफाई कर लेना, क्या हो गया। हेलो, फाइनली सफ़र हो गया ख़त्म और हम पहुंच गए अपने घर के पास, आ गए मामा जी की लड़की को छोड़ दिया था गोविंदपुरी में, और उसके बाद अब घर के पास पहुंच गए। और घर के पास पहुंचे और हमें ये ना मिले, कैसे काम चलेगा, फाटक दिमाग खराब करके एकदम पास 15-20 मिनट ये खाएगा हमारा। चलो फाइनली जल्दी अब हम करेंगे काम, अगला ट्रिप जब भी होगा हम बनाएंगे। तब के लिए बोलो बाकी बिहारी लाल की, बोलो राधे 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 राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर। कैसा लगा व्लॉग, अगला व्लॉग देखते हैं जब ट्रिप करेंगे तब करेंगे। शेयर कौन बोलेगा, हाँ शेयर भी कर लेंगे। चलो गाइस बाय बाय, बाकी बिहारी लाल की जय।